वेस्ट मटेरियल को यूज करके इतना ब्यूटीफुल स्कल्पचर बनाने जा रहे हैं। बहुत आसानी से ये क्रिएट किया जा सकता है और बिगनर्स भी आराम से ये इसे बना सकते हैं। तो चलिए बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। डॉल स्कल्पचर बनाने के लिए हमें जो सामान की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें दो प्लास्टिक के डिब्बे लेने हैं, पीओपी पाउडर है, मास्किंग टेप की जरूरत पड़ेगी, ग्लू गन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने कुछ वेस्ट क्लॉथ्स लिए हैं, ये हमने कुछ टी शर्ट्स को स्ट्रिप्स में काट लिया है, और दो वायर्स की जरूरत पड़ेगी, एल्यूमिनियम फॉयल चाहिए होगी। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले दो डिब्बे लेने हैं और इसको हम उल्टा करेंगे। इसके ऊपर फिक्स करेंगे। इसके बाद इसकी बॉडी बनाने के लिए हम एल्युमिनियम फॉइल लेंगे और हमने कुछ बॉडी शेप दी है, अभी इसकी आर्म्स बनाएंगे और उसके लिए हम वायर लेंगे और एल्युमिनियम फॉइल लेंगे। इसके सेंटर में हम वायर को रखकर इसको रैप करेंगे। और इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। ये हमने आम की शेप दे दी है और इसके अंदर वायर है, तो इसको जो शेप में हम लाना चाहें वो आराम से हम ला सकते हैं। और इसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसके ऊपर और फॉइल लगाएंगे। तो ये हमने कुछ आम की शेप दे दी है। इसी तरीके से हम दूसरी आम भी बना लेंगे
ये हमने इसकी दूसरी आम भी तैयार कर ली है और अभी मास्किंग टेप लेंगे और उससे हम इसको रैप करेंगे। तो ये हमारी दो आर्म्स रेडी हो गई हैं। अभी हम इसकी नेक और हेड तैयार करें। जितनी हमें हाइट रखनी है उतना फोल्ड करके हम इस तरीके से नेक तैयार कर लेंगे। तो ये हमने फिक्स कर दी है नेक और अभी डॉल का हेड बनाएंगे। तो ये हमारा हेड तैयार हो गया है और इसको भी हम फिक्स कर देंगे नेक के ऊपर। ये हमने हेड को फिक्स कर दिया है। अभी हम मास्किंग टेप से इसको रैप करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। रैप करते हुए फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने टेप लगाकर रेडी कर दिया है। अभी हम डॉल के हैंड्स फिक्स करेंगे और तो ये हमारा डॉल का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है।
तो ये हमने पानी लिया है और इसके अंदर हम मिक्स करेंगे पीओपी पाउडर, पीओपी पाउडर जो है उतना हमें मिक्स करना है जितना ये अपने आप घुलता जाए पानी में, और जब ये घुलना बंद हो जाएगा तब हम रोक देंगे। और ये हमारा पीओपी मिक्सचर तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से। और अभी हम धीरे धीरे इसके अंदर डिप करके इसके ब्रेड तैयार करेंगे, और इस तरीके से डिप करके हमें ये हमने इसके फेस के ऊपर इस तरीके से फिक्स कर दिया है। और ये ड्रेस जो है वो अपने आप अपनी चॉइस की आप अरेंज कर सकते हो। क्लॉथ को डिप करके आपको सेट कर देना है इसकी ड्रेस। अच्छे से कवर हो जाना चाहिए बॉक्स। रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम फेविकोल की कोटिंग करेंगे, और उसके लिए हमें फेविकोल और वाटर का मिक्सचर तैयार करना होगा। और ये व्हाइट ग्लू लेकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है हमें, और वाटर और फेविकोल का मिक्सचर रेडी करके इसको हम कोट करेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारा जो पीओपी है वो थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, और उसमें जो भी हम कलर लगाएंगे वो बहुत आसानी से हो जाएगा और वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो कंप्लीट करने के बाद हमें पीओपी के ऊपर फेविकॉल की कोटिंग कर देनी है। पूरी फिगर के ऊपर हम फेविकॉल की कोटिंग कर देंगे। अभी इसको ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद कलर प्रोसेस शुरू करेंगे। फेविकोल की कोटिंग ड्राई हो चुकी है, अभी हम इसको कलर करेंगे। और कलर में हमने इनेमल पेंट यूज करने हैं। ये ड्यूलेक्स का इनेमल पेंट है ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर से हम इसको कोट करेंगे। ब्लैक कलर से, और अभी इसको हल्का ड्राई होने देंगे और उसके बाद हाईलाइट करेंगे।
कलर सेमी ड्राई हो चुका है और अभी हम इसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट के लिए हमने एशियन पेंट का ये गोल्डन कलर लिया है और हल्का सा गोल्डन कलर ब्रश में लेना है और हाईलाइट करना है। हल्के हल्के स्ट्रोक देकर हम हाईलाइट करेंगे। ये हमारा गोल्डन कलर का हाईलाइट हो गया है। अभी हम हल्का सा ग्रीन का इफेक्ट देंगे, हल्का सा ग्रीन लेकर और ग्रीन का इफेक्ट देंगे और ग्रीन कलर लेकर हल्का सा शॉल में इसके ग्रीन का इफेक्ट देंगे। हल्का हल्का इफेक्ट देना है, ज्यादा नहीं। तो ये हमारा लेडीज कल्चर बनकर तैयार हो गया है और वेस्ट मटेरियल को यूज करके कोई भी बिगनर इस तरीके के स्कल्पचर्स बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे और आर्टिस्टिक लगते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।